वो तेज मत पास ट्रक डबलदार जी, यू डोंट वरी मिसेज आमिर, बस मैं आ रही हूँ ना, आके फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। वे बिस्मिल्लाह बेगम साहब, आप सवेरे सवेरे, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग करमदाद, मैं तो जब से तंजीम की चेयरपर्सन बनी हूँ ना मॉर्निंग का पता है और ना इवनिंग का। बेगम साहब, आप अपनी नन्नी मुन्नी जान को इस तरह हल्का न किया करें, आप सिर्फ आराम किया करें। काम करने के वास्ते हाजिर हूँ, मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ घर के मैं जरा सा। जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, बैठो और तुम इस कदर तकल्लुफ ना किया करो। थैंक यू बेगम साहब, फिर भी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? ये लो, तुम लोगों की तनख्वाहें। अच्छा जी, इसका मतलब है आज पे डे है? तो बेगम साहब, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो ये टेलीफोन और बिजली के बिलों का क्या करना है? एक तो ये बिलों ने जिंदगी अजाब कर रखी है। ये बिलों के बारे में किसी शायर ने क्या खूब अच्छी बात किया है, कहता है, तेरी याद में सारी रात एसी चला के जागा हूं, ऐ दिल रुबा, दिल दे न दे, बिल तो दे दे। कमाल करते हो तुम, बिल दे न दे, दिल तो दे दे। बेगम साहब, जब आप इस तरह हंसती हैं तो मेरे दिल में फुलझड़ियां और पटाखे चलने शुरू हो जाते हैं। बस करो करमदाद, बंद करो अपनी शरारतें। और ये लो। ये क्या है बेगम साहब? इसमें 50,000 रुपए हैं। नूर मोहम्मद नामी एक आदमी आएगा, उसे ये पैसे दे देना और रसीद ले लेना। लेकिन ये नूर मोहम्मद है कौन? ये प्रॉपर्टी डीलर का आदमी है, मैंने एक प्लॉट की फाइल खरीदी है। इसका मतलब है आपने प्रॉपर्टी का भी कारोबार शुरू कर लिया है? हाँ, तुम्हें बताया ना, जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा सुनो, याद से रसीद ले लेना, ठीक है? मैं जरा बंटी से मिल लूं। करमदाद 5, चाय के डब्बे फॉर मोना 6, लिपस्टिक्स फॉर बंटी 3। और चाय के डब्बे, गॉड दिस इज सो नॉट माय थिंग, कांट डू दिस जॉब एनीमोर, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। बंटी, व्हाट हैपेंड? अकेले ही बातें कर रहे हो? खरीद तो है ना? खरीद है, वो मैं हिसाब बना रहा था। अभी तक तुमने हिसाब नहीं बनाया? बंटी, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? वो फैशन मैगज़ीन्स में। व्हाट? कुछ नहीं, डिटेल्स बनाने में हिसाब की। बंटी प्लीज, कोई काम तो ठीक से कर लिया करो। अजी क्या मतलब है आपका? मैं इतने सारे काम जानता हूँ ठीक से करना, यू नो। Sometimes I think I should have opened a beauty parlor. देखिए ना, मुझे फेशियल करना आता है, मैनिक्योर करना आता है, पेडिक्योर करना आता है, मेहंदी के 117.5 डिजाइन आते हैं मुझे। God, बंटी, मैं ऑफिस के काम की बात कर रही हूँ। रिलैक्स आंटी, इट्स ओके, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आप कोई टेंशन मत लें। इससे बड़ी टेंशन और क्या होगी कि तुम्हारे आने के बाद भी इनकम जीरो है। दैट इज नॉट माई फॉल्ट, यू नो, करण दाद दी ओल्ड हैग इज द MD ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ब्लेम हिम। और तुम सुपरविजन करते हो, है ना? लेकिन हालात वैसे ही है। हालात भी ठीक हो जाएंगे अगर आप, हाँ
वो तुम्हारी पे करमदाद के पास है, उससे ले लेना। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। डोरिया, क्या बात है तारा? वे उदास कछु कुंभे की तरह बैठा हुआ है। दिल तबीयत तो ठीक है ना? दिल तो मेरा उदास है, ये दफ्तर क्यों साए साए करता है? वे दिल का ध्यान किया कर, आज का दिल के बड़े टैक होते हैं। काश मेरा दिल मेरे पास होता, वो तो मैंने मोना को दे दिया है। वे मोना का खेड़ा छोड़, ये रोग तो हड्डियां भी नहीं छोड़ता, और तेरे पास हड्डियां हैं ही कितनी। मेरा एक काम करेगी ना? वो किस खुशी में? अच्छा तो फिर वो कब तोड़ने वाली बात मैं करमदास साहब को बता दूंगा। मैं तो मजाक कर रही थी, बता तुझे काम क्या है। ये लव लेटर है, ये मोना को दिया। तेरा होना और तेरे बेड़े का, तुझे आवर किसी की आई? तारा मैंने तुझे खत देने को कहा, जहर खाने को नहीं। तेरा क्या मतलब है, अब मैं इस तरह के काम भी करूंगी? तारा एक दुखियारे की मदद करना तेरा इखलाकी फर्ज है। वे चूल्हे में गया तेरा इखलाकी फर्ज। आज के बाद तूने मुझे कोई ऐसा काम कहा ना, तो मैंने करमदार साहब को जाकर तेरी शिकायत कर देनी है। मैं बताऊं तुझे, मोना यहाँ है और उसका माइंड मेरे कंट्रोल में है। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ बंटी, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। क्या तुम्हें मेरी शक्ल नजर आ रही है? हाँ बंटी, मुझे तुम्हारा मुंह पहले से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। गुड, इसका मतलब है कि तुम मेरे स्पेल के अंदर आ चुकी हो। कोई स्पेल नहीं। अच्छा कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। Mona, you've destroyed all the magic verses that I used. और तुम्हें मैं दिमाग destroy कर दिया, तुम्हें कोई नहीं आता hypnotism, पकड़ो ये। Fine, नहीं आता, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है बंदा कुछ तो कर ले। Haven't you heard? An idle mind is the devil's workshop. And you are the devil. तुम्हें सिर्फ फारिग बैठने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। आता है, मुझे मुझे palmistry आती है। झूठ बोल रहा हूँ तुम। I'm telling you, I can read the minds of men and the hands of women. सच बोल रहे हो तुम? Yes, मैं तुम्हारा हाथ देख के ना तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या है। फजूल। I'm telling you, trust me. You know, मैं जो हूँ ना, मैंने मैंने पामिस्ट्री के ऊपर ना 30 साल का चिल्ला काटा हुआ है। हाँ, और मैं फ्रांस में ना मैंने वो एक पामिस्ट्री का स्टॉल लगाया था और वो इतना सक्सेसफुल चला कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो तो एक प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ गया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? एक दिन ना मेरे पास वो एक पुलिस ऑफिसर ना अपना हाथ दिखाने आ गया। हाँ। मैंने उसे कहा, उसने मुझे अपना हाथ दिखाया, मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, यू हैव द राइट टू रिमेन कॉजियस, एनीथिंग यू डू और से कैन एंड विल बी हेल्ड अगेंस्ट यू। ये कह दिया? या उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने मेरा सारा स्टॉल तोड़ दिया। वो जी किसे शायर ने क्या खूब कहा है कि नियत ठीक और बेड़े पार। आप इस तरह किया करें कि जरा हमारे अदारे की तारीफ में खबरें जरा बड़ी कर करके लगाया करें। आज ये बंदा है ना चीज, आपका मशकूर और ममनून होगा। थैंक यू जी। हम हैं तो क्या गम है? आप कौन है? हम वो हैं जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। और आप मुझ निभाने को जबरदस्ती मिलने के लिए आ गई है। हम सिर्फ उनसे मिलते हैं जो मुश्किलात में घिरे हों। हम बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। इसका मतलब है कि आपका तवल्लुक किसी सरकारी इदारे से है। हमसे मजाक तुझे महंगा पड़ सकता है। करमदास साहब, ये कौन है? सबर लड़की सबर, पी प्याला सबर का, कोई नहीं साथी सफर का। वाओ करमदास साहब, आपने गौर किया इन्होंने कितनी गहरी बात की है। सॉरी मोना, मैं पराई और सांवले रंग की औरतों पर गौर नहीं करता।
एक्चुअली मैं मोना हूँ और ये करमदाद साहब है इस इदारे के एमडी। मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों और किस मकसद से आई हैं? हम तुम्हारी मुश्किलात का हल लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ और लोग भी हैं? नहीं, हम अकेले ही आए हैं। ओहो, लेकिन आप आई कहाँ से आए? हमें यहाँ आने का ऑर्डर ऊपर से मिला है। इसका मतलब है कि आप दोजख से आई हैं? फिर मजाक ले सफर। ओह माय गॉड, करमदाद साहब! अरे मैडम जी, सॉरी सॉरी। सलाम साहब जी। मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच? है जी, मैंने पूछा है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? मुझे क्या पता, मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं जी। वह तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बहाने पर यकीन कर लूंगा? इम्पॉसिबल, आई कांट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो बॉस होता है वो हमेशा अपने मुलाजमीन से ज्यादा ज़हीन और खूबसूरत होता है। होता होगा जी, पर मैंने क्या किया है? वह तुमने अपनी घड़ी जानबूझकर अपने घर रख छोड़ी है ताकि घड़ी ना होने का बहाना करके तुम दफ्तर लेट आ सको। तौबा करें जी, मुझे तो दफ्तर आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। लेट तो आज आप दफ्तर आए हैं और उल्टा डांट मुझे रहे हैं। आपकी तो वही मिसाल हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह तुमको और कुछ कहना है? हाँ जी, इसलिए तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। तारा, तूने ये बात कहने में बड़ी देर कर दी। साहब जी, वो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपके होते हुए मुझे टेंशन देने की क्या जरूरत है? अच्छा, मेरे होते हुए तूने कभी भी जिंदगी में टेंशन लेनी भी नहीं है। बोलो मसला क्या है? साहब जी, मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए। सिर्फ 1000? अगर ये बंदा है नचीज, तुझको 1000 की बजाय 2000 रुपए दे दे तो? 2000 रुपये? साहब जी, मुझे तो पहले ही पता था कि आप बड़े बड़े दिल के मालिक हैं। साहब जी, अगर मैं आपको 2000 का कहती तो आपने मुझे 4000 रुपए दे देना था ना। मैंने तुमको 2000 ही थे। पर वो क्यों जी? ये तुम्हारी तनख्वाह के पैसे हैं। हमने सब सुन लिया है। बोल, तू क्या चाहता है? अपने संग दिल महबूब को अपने बस में करना चाहता हूँ। छोटू, तेरा काम हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा? इसके लिए जी ये सिर्फ 50 रुपए? इतना कम नजराना? जो भी है जी, यही कुछ है। इनकार मत कीजिएगा खुदा के वास्ते। खामोश! हमें तुम पे तरस आ रहा है। जाओ यहां से, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा काम होगा या मेरे वाला काम हो जाएगा? मेरा तो एडवाइस ये है आप सब लोगों को कि हमें ये सोच लेना चाहिए वहां पे आंटी से मिलने से पहले कि हमने उनको कहना क्या है। मैंने सोच लिया है, मेरी विश ये है कि मैं मैडोना की तरह 100 साल का भी हो जाऊँ ना, तो मैं इतना खूबसूरत लगूँ, इतना जवान लगूँ, यू नो आई बी डूइंग दैट, वो हमेशा खूबसूरत और हमेशा जवान। ये खूबसूरत और जवान लगने वाली बात तुमने मेरे बारे में की है? करंदाज साहब, लेट मी टेल यू वन थिंग, you are not khubsurat, you are not jawan, you are an old grey fat monkey. Stop being so rude, do you want me to hit you? Yes please. Shut up. aap dono aapas mein jhagda karte rahenge, ye bhi sochenge ki hame karna kya aur kehna kya hai. Okay. Wo mona, wo sochna kya hai, sochi pya to banda kya? Sochne ke liye akal chahiye hoti hai jo is room mein only I possess. Thank you very much. Ever. Maine apni wish soch li. सोच लिए? बताओ क्या सोचा? मुझे भी बताओ ना, हमारे दरमियान क्या पड़ता है? Just tell me. वे, 3 ना 13। वे अपनी चोच बंद करो, हमको अपने बारे में कुछ सोचने दे।
तुम लोग तैयार हो? मैडम हमें ये बताएं कि हमको करना क्या होगा। पहले तुम लोग बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आंटी आपने वो फिल्म नहीं देखी What Women Want? Sorry, wrong example. Gladiator. Right. अच्छा मेरी विश ये मैडम कि मैं चाहती हूँ मैं एक बहुत हैंडसम बहुत ही हैंडसम रिच एंड फेमस जैसे ब्रैड पिट है ना उस बंदे के साथ उस तरह के बंदे के साथ शादी करके बाहर स्विट्जरलैंड में जाके रहूँ। Oh, you're such a darling. और मैं अपनी रहमत खुदा बख्शी के लिए एक बड़े से सेठ वाला घर बनाना चाहता हूँ। हमें अफसोस है हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। Then go die, you useless piece of... Anyway, आपने तो कहा था कि आप हमारी हर मुश्किल सॉल्व कर सकती हैं। हमने ठीक कहा था। तो फिर अफसोस किस बात का है? क्या तुम लोगों के पास कोई बड़ी रकम मौजूद है? बंटी, मेरा ख्याल है कि अब हमसे अपनी फीस मांगेंगी। हम फीस नहीं मांगते। अगर तुम लोगों के पास रकम मौजूद है तो हम उसे अपने अमल से 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं। वाओ, दैट मींस कि जितने मेरे पास पैसे हैं आप उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओह वाओ, दैट मींस आई विल बी अ फिल्थी रिच मैन। ओ मैन, एनीवे करमदास साहब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं। वक्त कम है, जो करना है जल्दी कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ओके, ठीक है मैडम, हम रकम इकट्ठी करने के वास्ते तैयार हैं। मेरे पास तो ना जी सिर्फ ना ये 2000 रुपए हैं जी, ये आपकी खिदमत में। सिर्फ 2000? 2000 भी चल जाएंगे। तुम अपनी पसंद की शादी करना चाहती हो? ये मसला है ना तुम्हारा? मसला तो जी अब्बे ने बनाया हुआ है। शकूरा खाना मेरा सके मामे का पुत्र है, लेकिन मेरे अब्बे की जिद है कि मेरी शादी ताए बशीरे के मुंडे मीदे जीने के साथ हो। शकूरे खाने के साथ तुम्हारा मेरे से चक्कर चल रहा है? चक्कर कोई नहीं जी, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैडम जी आपके कहने के मुताबिक शरबत ले आए हो। पर ये शरबत किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने अपना काम करवाना है। अब इस शरबत पर हम वजीफा पढ़ेंगे, इसलिए तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। गायब हो जाओ? मगर जी वो कैसे? मैं बताती हूँ वो ऐसे। चल जा, चुप करके तू इधर से निकल बाहर। ये हो गए 8000 रुपए मुबलक मेरी तनख्वाह, और ये मेरी 5000, और मेरे 6669 रुपीज। 5000 के हिसाब से मेरे शेयर बनने चाहिए 20000 और 5000 मेरी तनख्वाह के अलग, और मेरे शेयर बनने चाहिए 36669। और ये पैकेट ये मेरा कल्ले का है, इसके जितने भी हाथ मत लगा, इसके जितने भी शेर बनेंगे वो सारे के सारे मेरे होंगे। तारा ये शरबत किस खुशी में लाई हो है? ये खास शरबत है, तुम सबको यही पीना पड़ेगा। लड़की एक एक गिलास सबको पेश करो। वह जन मई मुझको तो एक कॉफ चाय का बना दे। नहीं, ये कलम आती शरबत है, अभी तुझे यही पीना होगा। आप जैसा कहेंगी बेगम साहबा बिल्कुल वैसा ही होगा। भाई सबको शरबत दे। ये ले सर आपका ग्लास। मोना ये आपके लिए। थैंक यू तारा। फांसी जी ये आपके लिए। ये छी दे तेरा, और ये मिस तारा का। रकम कितनी है? मैडम जी ये जो पैकेट है इसमें 50000 है, इसके साथ हमारी सबकी मिला जुला कर तनख्वाही आएगी। इन नोटों को ऐसे एक जगह इकट्ठा कर दो और सब शरबत पीना शुरू कर दो।
Cheers! अब हम अपने अमल का आखिरी हिस्सा शुरू करेंगे और जब तक हम ना कहें कोई आंखें नहीं खोलेगा। खबरदार, अगर किसी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। और कितनी देर लगेगी मैडम? I see dead people, but they don't know that they're dead. He did, and he did it at the moon. Karamdar, ये क्या हो रहा है? अमल हो रहा है बेगम साहबा, आपकी आंखें खुली हैं, आप खुद देख सकती हैं। किसे देख सकती हूँ? और तुम सब लोग आंखें तो खोलो। वो मैडम और रकम किधर गई है? Where has she gone? Please tell me and tell me now, otherwise I'll handcuff you. बंटी, किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जिसने 2000 रुपए मुझसे लिए थे। करमदास साहब, मुझे लगता है हमारे साथ हाथ हो गए। कौन हाथ कर गया? किसकी बात कर रहे हो तुम? बेगम साहबा, वो कोई मैडम थी, उन्होंने अपना नाम पता तो हमें बताया नहीं। और उन्होंने कहा था कि वो अपने मैजिक स्पेल से हमारी तनख्वाहों को 4 गुना कर देंगी। फ्रॉड, चीटर, धोखेबाज। I spit on her grave। जो लोग लालच करते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। खैर, तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ है वो तुम लोग भुगतो। करमदार, नूर मोहम्मद 50,000 रुपया लेके रसीद देकर गया। कौन से 50,000 और कौन सी रसीद बेगम साहबा? वही 50,000 जो मैं प्रॉपर्टी डीलर के लिए देकर गई थी। मुझको माफ कर दे बेगम साहबा, वही 50,000 तो मैंने 4 लाख बनाने के चक्कर में उस फ्रॉडन औरत के सामने रख दिया और वो सारी रकम लेकर तो 9-11 हो गई। क्या? यानी तुमने अपने पैसों के साथ मेरे 50,000 भी गवा दिए? बेगम साहबा।